स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 3 क्लास 7 पार्ट 2 फाइबर टू फैब्रिक्स धागों से कपड़े तैयार करना। धागे से कपड़े कैसे बनाए जाते हैं तो कुछ हम लोग ऊन के बारे में, सिल्क के बारे में, जूट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टर ऑफ वूल। ऊन जो होते हैं उनके क्या कैरेक्टर होते हैं, गुण क्या होते हैं। इट इज लाइट, सॉफ्ट, थिक, ड्यूरेबल, इलास्टिक एंड ब्रिंकल स्टेंस। ये हल्के होते हैं, मुलायम होते हैं, मोटे होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, टिकाऊ होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ब्रिंकल स्टेंस होते हैं। ठीक है, उष्मा का उत्पादन करते हैं ठंडे के दिन में। वूलन फाइबर्स आर ऑल्सो फाइबर स्टेंस एंड चीफली कंपोज्ड ऑफ एनिमल प्रोटीन। वूलन के से जो धागे बने होते हैं वो फायर स्टेंस यदि कैच फायर नहीं करता है और खासकर जानवरों के प्रोटीन से मिलकर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, वूल इज यूज्ड टू मेक वूलन क्लॉथेज दैट वियर इन विंटर टू कीप वार्म आवर बॉडी। ऊन का प्रयोग जो होता है उन्हीं कपड़ों के रूप में प्रयोग करते हैं और खासकर ठंडे के मौसम में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए पहना जाता है। इज इट क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वूल, ऊन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सम मेजर वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन आवर कंट्री आर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में ऊन का उत्पादन होता है, जैसा कि जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों में ऊन का उत्पादन होता है बड़े पैमाने पर। वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल, वैसे जानवर जो ऊन, जिनसे ऊन का उत्पादन होता है, प्रोड्यूसिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शीप, नाम है इस शीप का ऑस्ट्रेलिया से, ये ड्राइव हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, ये इसलिए नाम है इनका ऑस्ट्रेलियन मेरिनो शीप, काश्मीरी, गाडी, काम्बा एंड अंगूरा गॉट, मोहेर, अल्पाका, लामा, अंगूरा रेबिट, याक, मस, ऑक्स इटीसी, इन सभी जानवरों से ऊन का उत्पादन किया जाता है, यार्न बनाए जाते हैं। सिलेक्टिंग ब्रीड, सिलेक्टिंग ब्रीड क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट से फॉर ऑब्टेनिंग अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इन देयर ऑफस्प्रिंग। कहता है कि एक ऐसी विधि है जिसमें पेरेंट को सेलेक्ट किया जाता है मेल और फीमेल्स एनिमल्स को, खास प्रकार के लक्षण वाले उनके कैरेक्टर होते हैं जिससे नई जातियां उत्पन्न हो सके। सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर, उनके नीचे हेयर जो होंगे स्किन के नीचे वो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, तो उनसे जो ऊन का उत्पादन होता है वो कॉस्टली होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और फायर स्टेंस होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द सेलेक्टिंग ब्रीडिंग, इसी को सेलेक्टिंग ब्रीडिंग के रूप में जाना जाता है। सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, यहाँ शीप के कुछ ब्रीड प्रजातियां हैं हमारे भारत में जो पाए जाते हैं, तो चार्ट के रूप में मैं इसे बनाया हूँ। नेम ऑफ ब्रीड ऑफ शीप, शीप की प्रजातियां का नाम। क्वालिटी ऑफ ऊल, ऊन के किस्म, किस प्रकार के क्वालिटी है। नेम ऑफ द स्टेट वेयर फाउंड, भारत के किस राज्य में ये पाए जाते हैं, तो लोही को देखें नंबर वन में, लोही, इनकी क्वालिटी जो था गुड क्वालिटी ऑफ ऊन का अच्छा किस्म होते हैं, कहाँ पाए जाएंगे, राजस्थान में और पंजाब में लोही। सेकंड है रामपुर, बुसैर, ये इनकी क्वालिटी ऊन की कैसी थी, ब्राउन फ्लिस होते हैं ये, और इट इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। थर्ड नैले, ए क्वालिटी ऑफ उल क्या, ब्राउन, ये कारपेट उल होते हैं ये, और ये पाए जाते हैं राजस्थान में, हरियाणा में और
पंजाब में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ए भाकरवाल फोर में ए फॉर उलेन सॉल्स के रूप में, जो साल हम लोग ठंडे के दिन में ओढ़ते हैं गरीब अमीर सभी लोग, और इनका उत्पादन होता जम्मू एंड कश्मीर में, इन सभी राज्यों में इनका उत्पादन होता। मारवाड़ी कोर्स उल के रूप में ये इनकी क्वालिटी होती है और ये गुजरात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ए पाटानवाड़ी और होजरी के रूप में, जो ब्रा पेंटेज के रूप में शरीर के अंदर में पहने, इनर बियर के रूप में पहने जाते हैं, और ये गुजरात राज्यों में इनको पाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट को आप सारे बच्चे नोट्स करेंगे, होमवर्क के रूप में फेयर करेंगे, क्योंकि भाई कोरोना जो है वो लंबा प्रोसेस चलेगा, तो आपको इसी प्रकार पढ़ना है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्टेड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।